आई होप यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, है ना बच्चों? आप लोग सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे क्योंकि आप सबको पता है दिस सीजन इज गोइंग ऑन, यस इज विंटर सीजन, है ना? विंटर सीजन में आप सभी लोगों को अपनी थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी होती है, मतलब आपको अपना ज्यादा ध्यान रखना है ना बच्चों? क्योंकि क्या है, बहुत ज्यादा ठंड है बाहर, आपको प्रॉपर वार्म क्लोथ्स तो पहनने ही है, है ना? गर्म कपड़े पहनने के साथ साथ आपको अच्छा हेल्दी फूड भी खाना है, ठीक है बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खा रहे होंगे, है ना, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं। तो बेटा हम क्या खाते हैं विंटर सीजन में बताओ? बहुत तरह का फूड आता है, अलग अलग डिफरेंट आता है ना। आजकल बहुत सारी क्या आती है, ग्रीन वेजिटेबल आती है, मार्केट में देखा होगा आपने, है ना, हरी हरी सब्जियां आती हैं, लीफी वेजिटेबल आती है ना बच्चों। तो आपको इनको क्या करना है, आपको ग्रीन वेजिटेबल खाना है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि क्या आता है, बहुत सारे फ्रूट्स भी आते हैं ना। क्या आता है, ऑरेंज आता है, और क्या आता है, कीनू भी आता है आजकल, है ना। आपने देखा होगा कैरेट भी आता है आजकल, है ना, और क्या आता है, रेडिश भी आती है ना, मूली आती है ना। तो आपने देखा कितना सुंदर लगता है जब आप सब्जी लेने जाते हो तो कोई ग्रीन होती है वेजिटेबल, कोई ऑरेंज, कोई रेड, तो कितना सुंदर सा दिखता है ना। तो आपको क्या करना है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खानी है, कैरेट खाना है, और क्या खाना है, सैलेड में भी आप कैरेट को खाते हो, और मम्मा क्या बनाती है, कैरेट का हलवा भी बनाती है, गाजर का हलवा बनाती है ना आपकी मम्मा। तो बेटा आपको गाजर खाना है। गाजर क्या होता है पता है, आइस के लिए अच्छा होता है, हमारी आइस अच्छी होती है और हमारी बॉडी में ब्लड भी बढ़ाता है, वो पता है आपको। आपको ये सब्जियां खानी है, खूब सारे फ्रूट्स खाने हैं, और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं आजकल, वो फूड खाते हैं जो हमारी बॉडी को क्या रखता है, वार्म रखता है, गर्म रखता है ना। जैसे क्या खाते हैं, नट्स आते हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं आजकल ज्यादा। वैसे तो आप हमेशा खाते हो लेकिन आजकल आप इसको ज्यादा भी खा सकते हो, है ना बच्चों। और मूंगफली भी आती है आजकल, आप लोग मूंगफली खाते होंगे, सबको पसंद होगी मूंगफली खाना, है ना बेटा। और आजकल क्या आते हैं, बहुत सारे लड्डू आते हैं, तिल वाले लड्डू होते हैं ना, तिल जो होता है वो भी क्या होता है, अच्छा होता है, उसको भी हम खाते हैं, गुड़ का भी यूज करते हैं हम, है ना। तो और हॉट मिल्क पीते हैं, हॉट कॉफी पीते हैं, हॉट टी पीते हैं, और सूप भी पीते हैं। मैंने आपको बताया ना, वेजिटेबल सूप भी होता है, चिकन सूप भी होता है, और जिसको जो पसंद है वो उसको पीता है ना बच्चों। और क्या कहते हैं, आप लोग आजकल एग भी खाइएगा, है ना, वो भी क्या होता है, अच्छा होता है, बॉइल करके भी खा सकते हैं, ऑमलेट भी खा सकते हैं, है ना। तो बेटा इस तरह का फूड हम खाते हैं विंटर सीजन में। आजकल क्या होता है, गर्म गर्म खाना अच्छा लगता है ना। समर्स में तो क्या होता है, फूड हम जब बना के मम्मा आपको प्लेट में सर्व करके देती है, बहुत देर तक वो गर्म रहता है ना, ठंडा नहीं होता है, तो आप खा नहीं पाते हो। फिर आप क्या करते हो, फैन चला के उसको ठंडा करते हो या थोड़ी देर उसको छोड़ देते हो। लेकिन विंटर्स में क्या होता है, जैसे ही आपके प्लेट में सर्व करके देते हैं, थोड़ी देर में वो ठंडा हो जाता है, और हमको गर्म गर्म खाना अच्छा लगता है ना, ठंडा फूड अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग भी क्या करिएगा, अच्छा अच्छा हेल्दी खाना खाइएगा, है ना बच्चों। और रात में सोने से पहले जरूर 1 ग्लास ऑफ मिल्क, किसके साथ, हल्दी के साथ, यस हल्दी वाला दूध जरूर पीना आप लोग, ठीक है बेटा। क्या होता है इससे, एक तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपकी इम्यूनिटी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। आपको पता है ना, कोविड अभी भी गया नहीं है, कोरोना वायरस स्टिल देयर, तो आपको अभी भी अपना बहुत ध्यान रखना है। उसके साथ साथ विंटर्स में क्या होता है बच्चों, जल्दी से हमें क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, फीवर आ जाता है। तो आप क्या करोगे, अपना ध्यान रखोगे, ठीक है, प्रॉपर वार्म क्लोथ्स के साथ साथ प्रॉपर फूड भी खाओगे, ठीक है बच्चों। ये जो आप फूड है ना, ये आपकी बुक में भी समझाया गया है, तो देखते हैं बुक में क्या क्या दिया गया है, ठीक है। देखो बच्चों, ये आपके ईवीएस की बुक का पेज नंबर 52 है ना। कल हमने क्लोथ्स के बारे में सीखा था, और आज देखो फूड वी ड्रिंक इन विंटर, विंटर में हम कौन कौन सा फूड खाते हैं, देखो पीते हैं, ये क्या है, हॉट टी, ये है ना, क्या है, चाय है,
बड़े लोग जो होते हैं वह चाय पीते हैं, है ना। बच्चे तो नहीं पीते हैं चाय, पीते हो क्या आप लोग? और ये क्या है? हॉट सूप है। देखो सूप पीते हैं हम, और हॉट कॉफी भी पीते हैं, और हॉट मिल्क पीते हैं। आपने देखा सब में क्या लिखा हुआ है? हॉट। हॉट मीन्स गर्म। आप गर्म चीजों का यूज करते हो, गर्म चीजें खाते और पीते हो ताकि आपकी बॉडी क्या रह सके, गर्म रह सके और आप बीमार न पड़ो। ठीक है बच्चों, तो आज आप इसको रिवाइज करिएगा अपनी बुक से भी देख करके, और इस वीडियो को दोबारा देख करके सुनिएगा कि आपको किस तरह का खाना खाना है। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।